हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल अगेन। और मैं यही उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह कि आप स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी शेव एकदम जबरदस्त हो रहे होंगे। एनीवेज, तो आज दो नए प्रोडक्ट्स रिव्यू करना है आपको, बता देता हूँ। खैर, आपने देख लिया होगा थंबनेल में। तो सबसे पहले तो जवान रेजर्स का ये टीक वुड वाला प्रीमियम फाइबर सिंथेटिक शेविंग ब्रश, और दूसरा प्रोडक्ट जो है बड़ा यूनिक है, पहली बार मैंने देखा है और पहली बार इसको एक्सपीरियंस करूंगा मैं। यह है शेविंग फोम एप्लीकेटर अगेन फ्रॉम जवान रेजर्स। सो यूनिक डिजाइन है यार इसका, मतलब मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि इसका कैसा क्या होने वाला है। आई डोंट नो, देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इंक्लिनेशन तो वेट शेविंग की तरफ है थोड़ा, तो हम शेविंग ब्रश को ही पहले रिव्यू करेंगे। और शेविंग ब्रश को रिव्यू करने के लिए यूज भी करने वाला हूं मैं बड़ा ही पॉपुलर, बड़ा ही फेमस और आप सबका और हम सबका चहिता गोदरेज सिंथॉल का कूल मेंथॉल शेविंग क्रीम। यस, काफी लोगों ने मेरे को बोला कि यार आप इसके बारे में बात करते हो, बताते हो कि इसकी स्मेल काफी कुछ बार्बर शॉप जैसी है और काफी कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा यूज नहीं किए हो इसको। तो मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो सही है, तो चलो आज इसको यूज करेंगे। लेकिन मेरे पास एक छोटी वाली ट्यूब है पहले से रखी हुई ट्रायल पैक में। तो दोस्तों हाँ, ये भी मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको कि बड़ी ही ट्यूब्स डेफिनेटली आपको अगर कोई प्रोडक्ट पसंद है, आपको पता है कि आप यूज करने वाले हो, तो आप बड़ी ट्यूब्स लो, फायदेमंद होगी। अगर आप ट्रायल के लिए लेना चाहते हो तो छोटी ट्यूब्स भी मिलती हैं, आप जरूर उनको खोजने का प्रयास कीजिए, आपको जरूर मिल जाएंगे। तो हम इसको यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले चेहरे को गीला करके। ओके, और लगा लेते हैं शेविंग क्रीम। ठीक है, इतनी शेविंग क्रीम नॉर्मल जितनी हम लेंगे। दाढ़ी काफी बढ़ गई है। आप लोग कह रहे होंगे भाई शेविंग कब करोगे, ये तो आप ब्रश का और फोम एप्लीकेटर का रिव्यू तो कर रहे हो बट शेविंग कब करोगे, तो वो भी जल्दी करेंगे। बिल्कुल, चलते हैं लादरी। क्या बात है, लगाते से शानदार खुशबू, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। ग्रिप काफी अच्छी है, स्मूथ वुडन हैंडल है टीक वुड का, जवान रेजर्स का यहाँ पे जो है लोगो भी एनग्रेव्ड है। लेकिन जो है बिल्कुल सरप्राइजिंगली फिसलने वाली नहीं है ग्रिप, गीला है हैंडल, मेरे हाथ भी गीले, लेकिन फिसलने जैसा कुछ भी नहीं लग रहा। वाव, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट है ब्रिसल्स, ये भी छोटू ब्रिसल्स है, काफी बढ़िया है, नाइस। और ये सही में शेविंग क्रीम कूल मेंथॉल है यार, क्या मस्त खुशबू और एकदम कूलिंग इफेक्ट, तुरंत लगाते फिर चालू हो गया कूलिंग इफेक्ट, वेरी नाइस। ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत बढ़िया ब्रश है। ऐसे जो लोग प्लास्टिक प्रिफर नहीं करते, ऑफ कोर्स फाइबर्स तो सिंथेटिक है, लेकिन हैंडल में भी अगर आप प्लास्टिक अवॉइड करना चाहते हो तो आप वुडन हैंडल वाले ब्रशेस यूज कर सकते हो, जैसे ये टीक वुड का है, फाय का एक ब्रश है, वो भी आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। और भी ब्रशेस आते हैं ऐसे वुडन हैंडल वाले, इनका रूमर 7 का एक आता है, काफी सारे आते हैं। तो यार लादरिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, वेरी नाइस। अब मैं इससे बोल लादरिंग नहीं करूंगा क्योंकि ये छोटे ब्रिसल का ब्रश है, मैं इसको प्रिफर करूंगा फेस लादरिंग के लिए, और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई लादर डेवलप करने में, वेरी नाइस लादर। एंड या आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट, इसको मैं शेविंग में भी जरूर यूज करूंगा ऑफकोर्स, बट एज फार एज शेविंग ब्रश का रिव्यू कंसर्नड है आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। लाइट वेट है, वेट बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक वैसे मैं इसको एक दो दिन की ग्रोथ पे भी यूज करके देखूंगा, पर मुझे यहां तक लग रहा है मुझे तो कोई स्क्रबी स्क्रैची फीलिंग बिल्कुल महसूस नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। स्प्ले इसका लगभग इतना है, अगर हम पूरा प्रेस करें तो इतना स्प्ले है, इस तरफ से बता देता हूं आपको, इतना स्प्ले है, आराम से कवर हो गया,
अगर आप पूरा प्रेस करते हो तो भी, नहीं करते हो तो नॉर्मली इस तरीके से भी आप करते हो तो बिल्कुल सफिशियंट स्प्ले है एंड नाइस। अब थोड़ा सा पानी ऐड करता हूँ सिर्फ, मैं थोड़ा इसको स्मूदन करने के लिए। नाइस, और पानी ऐड करने से और ज्यादा ठंडा लगने लग गया। नाइस चॉइस टू रिव्यू अ शेविंग ब्रश विद अ कूल मेंथॉल शेविंग क्रीम फ्रॉम गोदरेज सिंथॉल। बड़ा ही बहुत दशकों से ये है शेविंग क्रीम। हाँ बिल्कुल, अगर आपने ये शेविंग क्रीम यूज नहीं की है सिंथॉल लाइन सेंसिटिव या कूल मेंथॉल, तो आप जरूर अपने वेट शेविंग की हॉबी में कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। वेरी गुड, चलिए। सो एज फार एज ब्रश इज कंसर्न आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, हैप्पी। प्रैक्टिकल यूज करके देख लिया हमने, कोई परेशानी नहीं हुई लादर डेवलपमेंट करने में या कोई स्क्रैची स्क्रबी फीलिंग नहीं हुई। डेली यूज के लिए भी आई थिंक इसको यूज कर पाएंगे, मैं इसको यूज करके देखूंगा ऐसे डेली यूज में। आज तो सिर्फ मैं लादर डेवलपमेंट टेस्टिंग कर रहा था इस ब्रश के साथ में, और ग्रिप वगैरह की ये गीले सूखे में फिसलता तो नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, और इसके ग्रिप में भी बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही पकड़ने में भी, ठीक है। वाह, चलिए अब चलते हैं वीडियो के दूसरे भाग की तरफ। ओके दोस्तों, सो अब बात करते हैं हमें शेविंग फोम एप्लीकेटर की। डिजाइन इसका देखो यार, एवेंजर्स के किसी मूवी सिंबल जैसा लग रहा है मेरे को, विच इज गुड, सो मस्त है। अब यार मैंने भी कभी इसको यूज नहीं किया, मैंने ऐसे प्रोडक्ट के बारे में कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी कि यू नो कैसे क्या यूज करेंगे इसको, या इसको देख के भी जब सबसे पहले पास मेरे पास आया ये, तो मैंने भी ये सोचा यार कि फोम एप्लीकेटर तो है, चलो इट्स ऑब्वियस कि फोम लगाने का ही होगा, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे, तो चलो ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने लिया है जिलेट का ये शेविंग फोम नॉर्मल, जो भी शेविंग फोम यूज करता है मोस्टली जिलेट का तो करता ही है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है अब देखते हैं कैसे इसको यूज करना है। तो थोड़ा सा फोम मैंने जो है इस पे लगा लिया, ओके, और अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई। ओके थोड़ा सा नीचे गिरा, दैट्स फाइन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार शेविंग फोम एप्लीकेटर यूज करने से फायदा क्या, और सबसे बड़ा फायदा जो इसका ये मैं सोच सकता हूं, जो मैंने इतनी बार फोम यूज किया तो मुझे लगा कि यार अगर हाथ से डायरेक्ट लगा दे, देखिए सबसे नेचुरल प्रोसेस है हाथ पे शेविंग फोम लेके और अप्लाई करो, आप अपने कंटूर्स वगैरह जो है ग्रेन वगैरह फील कर सकते हो, डेफिनेटली उसका अपना एक एडवांटेज है, लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जितना शेविंग फोम आपके हाथ पे लगा हुआ रहता है वो तो वेस्ट ही होना है। अगर आप लगा लो उसको सेकंड पास में तो ठीक है, मान लीजिए अगर आपको यूज भी करना है सेकंड पास पे, तो ये आपका हाथ एंगेज हो गया, मतलब आपको अगर पुल करना है अपनी स्किन या कुछ स्ट्रेच करना है या कुछ और प्रोडक्ट्स को हाथ लगाना है तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि बिना वो शेविंग फोम लगे फिर वो प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते। तो वो चीज में तो डेफिनेटली मेरे को एक एडवांटेज लग रहा है। दूसरा ये लग रहा है मेरे को कि बार्बर शॉप्स में, अब ऑफ कोर्स आई डोंट नो वेदर दिस प्रोडक्ट इज मेड फॉर द बार्बर शॉप और नॉट, लेकिन बार्बर शॉप में मैंने देखा कि जो बार्बर्स रहते हैं वो शेविंग फोम हाथ से ही लगाते हैं, उनके पास कोई ऐसा शेविंग फोम एप्लीकेटर नहीं होता, एंड कंसीडरिंग पैंडेमिक का सिनारियो एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑफ कोर्स मास्क तो पहना ही होगा हमारे बार्बर भाई ने, डेफिनेटली सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो फॉर श्योर वो भी ले रहे होंगे, लेकिन हाथ पे अगर कुछ यू नो इन्फेक्टिंग मटेरियल हो या कुछ माइक्रोब्स हो तो वो अगर शेविंग फोम हाथ से लगाते हैं तो फिर वो लग सकता है आपकी स्किन पे, काफ़ी लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, सो यूज़ ऑफ अ ब्रश इज क्वाइट प्रिफर्ड बाय देम एज कंपेयर टू यूज़ ऑफ अ शेविंग फोम। मतलब शेविंग क्रीम ही लगा सकते हैं आप तो ब्रश से, या ट्यूब वाले शेविंग जेल, फोम तो शायद कुछ लोग लगाते हैं, नो कमेंट्स, दैट्स ओके, शायद उनको एडवांटेज लगता होगा इसलिए वो लगाते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन एनीवन्स पर्सनल थिंग्स एनीवेज, बट या आप देखो शेविंग फोम जो हमने लगाया वो कितना इवनली लगा पहली बात, इसमें अभी भी डेफिनेटली थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आई कैन अप्लाई ओवर मुस्टैश, जैसे मूंछ का एरिया यहाँ पे लगाना कितना आसान हो गया, देखो आप ये लग गया,
इजीली लग गया, फैल गया जहां तक आपको फैलाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर यहां पे लग रहा है कि यार और कवर करना है तो आप बिल्कुल यहां पे और लगा सकते हो और यहां पे ये अप्लाई कर सकते हो, तो ये भी एरिया आपका स्पॉट आपका कवर हो गया। सिंपल और थोड़ा सा ज्यादा प्रिसीशन भी मिला मुझे शेविंग फोम अप्लाई करने में। हाथ में इधर इधर होता है, कभी होंठ पे ही लग गया, फिर उसको रिमूव करने में एक्स्ट्रा मशक्कत आपको करनी पड़ेगी, उस सब चीज में डेफिनेटली एडवांटेजेस है प्रोडक्ट। नाइस। अब इसका भी जो ये हैंडल है ये बैम्बू वुड का है, ये टीक वुड का नहीं है, बैम्बू वुड का है और ये आई थिंक स्पॉन्ज मटेरियल है कोई, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कौन सा है, बट ये स्पॉन्ज मटेरियल है। बट यार मुझे तो ये लग रहा है, मतलब इफ समवन यूजेस फोम, फोम आप अगर काफी ज्यादा यूज करते हो, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस, ये एक एक्सपीरियंस अलग ही है। वेरी नाइस। और फिर फोम के साथ मैंने आपको ट्रिक तो बता ही दी, अगर आपको फोम ड्राई होने ऐसा लगता है, आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि फोम ड्राई कर सकता है आपकी स्किन को, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहां पे जरूर देखो। बट एज फार एज दिस शेविंग फोम एप्लीकेटर इज कंसर्न, आई थिंक यस इट इज समथिंग न्यू, आप ट्राई कर सकते हैं जो लोग शेविंग फोम यूज करते हैं, फॉर श्योर कोई परेशानी नहीं हुई। देखो दोनों हाथ एकदम फ्री है शेविंग फोम के, कोई शेविंग फोम नहीं लगा हुआ, पूरी दाढ़ी पे अच्छे से फैल गया, बाकी का बचा हुआ इधर है। अगर आपको लगता है और कवर करना है तो आप कवर कर सकते हो। आई थिंक यू विल ऑल्सो यूज द शेविंग फोम मोर ऑप्टिमली, मतलब आप जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए ना उतनी यूज करोगे, हाथ पे लगा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा आपका, ये भी एक एडवांटेज है। सो डेफिनेटली समथिंग टू बी अवेयर ऑफ, यूज कर सकते हो। ओके अब रिंस कर लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। अभी रुक जाओ, अभी मैं जब ये शेविंग फोम रिमूव कर रहा था ना तो मेरे को इसका एक और एडवांटेज समय में आया। देखो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो आप ट्रिम करते हो और आप सिर्फ इतना इतना एरिया शेव करते हो या सिर्फ फाइन लाइनिंग करते हो और अगर आप फोम यूज करना चाहते हो, तो देखो इस प्रोडक्ट का यूज देखो, आप आराम से ये देखो बिना हाथ लगाए फोम को और ये क्लियर कर दिया है इसने। मैं अभी रिंस कर रहा था ना तो मेरे ध्यान में आया, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ फटाफट। देखिए पता पड़ जाता है यूज कर करके कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। स्पेशली जैसे यहां पे है, इफ यू वांट टू टेक ऑफ सम फोम फ्रॉम हियर, तो हाथ लगाए बिना बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो लाइन दिख रही है आपको क्लियरली, आपका काम हो गया, अब आपको बस इस लाइन के नीचे शेव करना है। कितना एडवांटेजेस प्रोडक्ट है यार, फॉर दोज हु रियली नीड टू शेव विद शेविंग फोम, यू नो व्हाट टू यूज, आपको पता है आपको क्या यूज करना चाहिए। चलिए फिर एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। सो हमने सबसे पहले रिव्यू किया जवान शेविंग ब्रश विच इज मेड ऑफ टीक वुड एंड सॉफ्ट सिंथेटिक प्रीमियम ब्रिसल्स, वेरी गुड लादरिंग, गुड फॉर ट्रैवल पर्पस, गुड फॉर रेगुलर यूज, नो कंप्लेन्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ लादर, अच्छे से प्रोड्यूस किया लादर, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो आप। सेकेंड बड़ा ही यूनिक प्रोडक्ट, मैंने तो इसके पहले ऐसा कोई प्रोडक्ट देखा नहीं, आपने देखा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बट जवान रेजर्स का ये शेविंग फोम एप्लीकेटर ऑफ बैम्बू वुड का हैंडल है इसका और ये फोम मटेरियल का जो है इसका ये टॉप है जो अपर पार्ट है और उससे आराम से हमने शेविंग फोम लगा लिया बिना अपने हाथों को इन्वॉल्व किए। सो दिस इज आई थिंक अ मोर हाइजीनिक प्रोसेस as compared to directly applying through your hands. अपने अपने advantages हर चीज के होते हैं, आप अपने हिसाब से decide कीजिए और decision लीजिए, but yes मुझे तो ये चीज काफी फायदेमंद और काफी usable लगी shaving foam के साथ में। so जब भी मैं shaving foam use करूंगा तो इस product को मैं जरूर use करने की कोशिश करूंगा, for sure. थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमेशा की तरह ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा कीजिए क्योंकि उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है और इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी होते हैं ऑफकोर्स, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के भी लिंक्स हैं उसमें जो आपके फायदे के हो सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में और फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिए और जॉय शेविंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यू नो योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए जॉय शेविंग चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शेविंग करते रहें,
हम मिलेंगे फिर से एक अगले वेट शेविंग से रिलेटेड एपिसोड में। तब तक के लिए कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय और नमस्कार।